तुम्हारे कई रूप है पर अंत तो गतवा तू मात्र एक है। जैसे एक स्त्री कभी अपने पिता के पास बैठती है तो वो माँ हो जाती है, वही स्त्री अपने पुत्र के पास बैठती है तो माँ बन जाती है, पिता के पास वो पुत्री बन जाती है, वही स्त्री अभी अपने पति के पास बैठेगी तो वो पत्नी बन जाती है। एक ही स्त्री कभी पत्नी बनती है, कभी किसी की पुत्री बनती है, कभी बहन बनती है, पर है वो एक स्त्री। उसी तरह ही परमात्मा तेरे अनेक रूप है, जब जब जिसको जैसा जैसा चाहा तब तूने उसके जैसा रूप को बना दिया। परमात्मा बहुत सरल और तरल है। जो व्यक्ति जिस रूप में उसको भजता है वो व्यक्ति ऐसा भगवान उसके जैसा बन जाता। अपने भक्तों के कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अनेक रूप लिए, अभी भी ले रहे हैं पर भविष्य में भी लेते रहेंगे, ऐसे भगवान कृष्ण की भगवत गीता में प्रतिज्ञा है। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी देखा, बोलो जैसे कृष्ण, गोलमाल रिटर्न। उसमें लास्ट में मोरल स्टोरी ऐसी है, व्हेन गॉड इज डूइंग समथिंग देयर इज नो लॉजिक, जस्ट मैजिक। जब परमात्मा कुछ करते हैं तो वहां विज्ञान साइंस कुछ नहीं होता है। ऐसा भगवान ने क्यों किया? न्यूटॉन प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के नियम यहाँ लागू नहीं होते, भगवान ने किए। अब क्यों किया, कैसे किया, कब किया, वो उसके ऊपर छोड़ देना पड़ता है। सेम डे आई गॉट स्मॉल स्टोरी इन माय व्हाट्सएप उदय भाई, सेम डे, नो साइंस, वहां कोई साइंस नहीं है। नरसिंह मेहता की पुत्री का गोद भराई की रस्म करनी थी, पत्र लिखा गया, उसकी सास ने बोला कि तुम्हारे बाप को बोलो कि ये बड़े नागर का घर है और इस नागर के घर में यदि गोद भराई की रस्म करना है तो इतना सामान लेकर आना पड़ेगा। बहुत सारा लंबा लिस्ट पिता को भेजा गया और नरसिंह मेहता के घर में घी लाने का पैसा नहीं था। अभी गरीब बाप, उसके घर से उसकी पुत्री का घर 200 किलोमीटर दूर था और यहां से वहां जाने के लिए उसके पास कोई पुराने जमाने में जो गाड़ा होते हैं सकट जिसको बोलते हैं, वो गाय की घोड़ा गाड़ी भी उसके पास नहीं। किसी के पास मांगने गया तो पता था ये नरसिंह मेहता भगत है, घर में एक रुपया नहीं है, मांग के खाता है, हमारा गाड़ा देंगे तो बिगाड़ कर आएगा। तो एक पुराने आदमी ने अपना टूटा फूटा पुराना गाड़ा दे दिया, उसमें यदि बैठ कर जाएगा 25 की स्पीड पर तो भी वो 10 दिन के बाद पहुंचेगा और गोद भराई की रस्म केवल 3 दिन के बाद थी। पर केवल हरि पर विश्वास रखकर मेरा कृष्ण है ना सब कुछ कर देगा। मिली हुई यादि मिला हुआ लिष्ट श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। परमात्मा कार्य मेरा है पर करने वाला तू है, केवल मेरा तो नाम है, मैं केवल पिता हूं मेरी पुत्री का पर वास्तविक पिता तो तू है, मेरा संपूर्ण कार्य करने वाला तू है। आंख बंद करके जब कृष्ण के चरणों में अपनी अर्जी अपनी विनंती और अपनी अर्ज को रख दिया, अब कैसे कृष्ण ने किया, पर हो गया, 2 दिन में वहां पहुंच गए। 1 दिन पहले साथ में कुछ नहीं है, सुबह गोद भराई की रस्म है और जितना लिस्ट में लिखा था उसे कई गुना ज्यादा कृष्ण ने दे दिया। वहां हमारा कोई लॉजिक नहीं है, व्हेन गॉड इज डूइंग समथिंग देयर इज नो लॉजिक, जस्ट मैजिक। एक आदमी था अहमदाबाद का, बहुत पैसा, वो स्टोरी जो मेरे व्हाट्सएप में आई उदय भाई, तो उदय भाई हर बार कहते हैं साइंस निकालते उसने से। तो क्या हुआ कि एक आदमी था बहुत पैसा वाला अहमदाबाद में और रात को 12 बजे नींद नहीं आई उसको, टाइम पास करने के लिए गाड़ी लेके बाहर निकला और जाते जाते गया तो सब बंद था और एक मंदिर खुला था, मंदिर में गया टाइम पास करने के लिए, भजन हो रहा था, वहां जाकर बैठ गया, भजन चल रहा था, ताली बजा रहा था, इधर उधर देख रहा था और एक कोने में एक आदमी बैठा बैठा रो रहा है। रोते हुए आदमी को देखा और गुजराती सेट वहां पर गया, इधर उधर देखना गुजरातियों की आदत होती है, बोलो जैसे कृष्ण। 1000 आदमी जाते इधर उधर कोई देखता समझ लेना ही गुजराती है। देखा वहां नजर गई और तुरंत जाकर पूछा, भाई मंदिर में क्यों रो रहे हो? तब उसने आंख से आंसू आया और कहा, भैया क्या बताऊं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी पत्नी को कैंसर है, कल सुबह ऑपरेशन करना है और मेरी जेब में 1 रुपया नहीं, यदि कल 11 बजे यदि वो ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी और बच्चे नाथ हो जाएंगे। तुरंत सेठ जी को दया आई, तुरंत चेक निकाला, 1,00,000 रुपया दिखा और कहा, जाओ चिंता मत करो, ऑपरेशन कराओ। वो खुश हो गया, तुरंत चेक लेकर दरवाजे के बाहर गया, चप्पल पहन रहा था, सेठ जी भी पीछे पीछे आए और कहा, टेक माई विजिटिंग कार्ड, इफ आफ्टर ऑपरेशन इफ यू नीड मोर मनी जस्ट कम ऑन एड्रेस आई विल गिव यू, एंड ही सेड इट्स ओके आई एम फाइन, मुझे आपका एड्रेस नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, क्यों? बहुत
प्रेम से जवाब दिया, मेरे पास मंदिर का एड्रेस है, जब जब मुझे परेशानी आई है, जब तकलीफ पड़ी है, मैं मंदिर में जाता हूं और भगवान को कहता हूं। शिव जी बुरा मत मानना, रात को 12 बजे आप उठ गए, नींद नहीं आई और कहीं दारू पीने नहीं गए और मंदिर नहीं आए, इतने सारे आदमी में आपको और कोई नहीं मिला और केवल मैं मिला, और बिना पहचाने बिना जाने मेरा नाम भी आपको नहीं पता है और आपने 1,00,000 रुपया दे दिया, आप क्या समझते हो ये सब कुछ आपने किया? नहीं, ये सब मेरे परमात्मा ने किया है, क्योंकि हर एक भक्त की चिंता को दूर करने का संकल्प श्री कृष्ण ने किया है, वो पूरा कर देता है। हाँ, कब करता है, कैसा करता है, वहां हमारा गणित और हमारा लॉजिक कभी काम करता नहीं, वहां केवल विश्वास काम करता है, विश्वास से कही हुई बातें। बाकी देखिए कृष्ण की, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, कृष्ण के कई सखा कई भक्त है, अनेक प्रकार के भक्त है उनके जीवन के दरमियान। एक भक्त ऐसा हुआ जिसका नाम था मधुमंगल। वो मधुमंगल का परिवार बहुत गरीब, बेचारे गरीब थे, गोकुल में रहते थे, अब जन्म से ये बच्चा अंधा है, अब अंधे बच्चे को कौन रखेगा, ऐसा सोचकर मां बाप ने उस बच्चे को 6 साल तक घर से बाहर नहीं निकाला, 6 साल तक ये बच्चे को अपने घर में गोद कर रखा, वहां से निकाला नहीं, क्योंकि अंधा है, उसको यहां कुछ दिखता है। और एक दिन कृष्ण उसके घर में चोरी करने, चोरी करने उसके आदत थी चोरी करने, हर घर में बारी बारी जाता था, आज मधुमंगल का घर, और जैसे ही खिड़की से अंदर कृष्ण चोरी करने गए तो चारों तरफ देखा एक बच्चा कांपता हुआ वहां बैठा, कृष्ण की दृष्टि उस पर गई और कहा जा रहा है जिस पर कृष्ण की दृष्टि पड़ जाए उसका जीवन सुधर जाता। कृष्ण की दृष्टि गई और कहा आप कौन? उसने कहा मेरा नाम मधुमंगल है। कहा कि तुमको पता नहीं मैं चोरी करने आया हूं? उसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पता चलता। कहा क्यों? कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों, आपको कुछ नहीं दिखता? छोटे से कृष्ण ने जब कहा तब उसने कहा कि मुझे एक ही चीज दिखती है और वो है कालापन, अंधेरा, मेरे लिए एक ही रंग है और वो है काला। तुरंत कृष्ण ने मधुमंगल का हाथ पकड़ा और हाथ चूमते हुए कहा कि मेरा रंग भी है काला, चिंता मत करो, तुमको जो दिखाई देता है ना वो मैं हूं, आज से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं और तुमको हर जगह घुमाऊंगा। दूसरे ही दिन से कृष्ण कहीं भी जाता है मधुमंगल उसके साथ है, कृष्ण हर चीज बोलता है, मधुमंगल सोच कर सुनते हुए इमेज करते हुए उस चीज को समझ लेता है। देखो मधुमंगल बहुत सुंदर तरल यमुना बह रही है, कल कल करता हुआ काली यमुना का जल कितना सुंदर बह रहा है, हाथ लगाया तो स्पर्श से पता चला ये यमुना है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के पत्थर को स्पर्श करके कृष्ण ने मधुमंगल को ज्ञान दिया, इतना उसकी जिंदगी सवार थी, मधुमंगल को कभी अनुभव नहीं हुआ कि मैं अंधा हूं। 11 साल तक कृष्ण ने उसको बचाया। एक दिन ऐसा आया कृष्ण सब कुछ छोड़कर चला गया मथुरा गोकुल से, मथुरा जाने वाला था, जाते समय राधा ने रोका कृष्ण नहीं रुके, यशोदा ने रोकने के लिए प्रयास किया कृष्ण नहीं रुके, गोप ग्वालों ने रोका नहीं रुके कृष्ण, अंत में गाय ने रोका, गाय से भी कृष्ण नहीं रुके, दूर मधुमंगल खड़ा है और कृष्ण का रथ वहां से निकल रहा है। आवाज की और दिशा में जाते हुए मधुमंगल ने उस घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और जैसे ही लगाम पकड़ा कृष्ण नीचे उतरा और मधुमंगल ने रोते हुए इतना ही पूछा, कृष्ण एक रंग तुमने दिखाया और वो था काला, अब काला रंग जा रहा है, कोई एक रंग दूसरा दिखा के जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ कृष्ण, तुम चले जाओगे मुझे कौन दुनिया दिखाएगा। कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, कृष्ण ने मधुमंगल को कहा कि मधुमंगल सब कोई व्यक्ति मुझे चाहता है पर मुझे क्या चाहिए आज तक किसी ने नहीं पूछा। यशोदा ने कहा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी पर यशोदा ने मेरे मन में क्या था वो नहीं पूछा, राधा ने भी मेरे मन के बारे में कुछ नहीं पूछा, मधुमंगल तुम क्यों मेरे साथ हिसाब करना चाहते हो। मधुमंगल ने कहा कि मैं तो घर से बाहर आना ही नहीं चाहता था, तुम पूछ कर लेकर आए और मैंने तुम्हें प्रेम किया, मेरी मैत्री तुमसे बन गई, तुम मेरे मित्र हो। और बहुत समय पहले उसी मधुमंगल ने एक गुंजा की माला कृष्ण को पहनाई, कृष्ण ने तुरंत गुंजा की माला तोड़ी और मधुमंगल के हाथ में दे दी, लो मधुमंगल आज से तुम्हारा और मेरा नाता खत्म, तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई। मधुमंगल वो माला हाथ में लेकर बैठ गया, कृष्ण चले गए।
और उस माला को उसने हाथ में रखा 100 साल तक। बोलो जय श्री कृष्ण। 100 साल तक उस गुंजा की माला को अपने हाथ में दबा कर रखा। और बाद में एक बड़ी कथा है, यशोदा सब लोग जानते हैं, उसी समय मधुमंगल भी जाता है, और उस समय मधुमंगल ने जो हाथ की माला थी वो खोला और कृष्ण को देने से पहले अपनी आंखों पर लगाया, और जब आंखों पर लगाया तो उसकी दृष्टि वापस आ गई। बोलो जैसे दृष्टि वापस लाने में 100 साल चले। क्यों? जब पूछा मधुमंगल ने तो कृष्ण ने कहा कि मैंने जो तुम्हें दिया उस पर तुमको विश्वास नहीं था। मैंने ये माला इसीलिए दिया था कि मेरे गले में रखी माला, मेरे चरणों के पुष्प को यदि तुम तुम्हारे आंखों से लगाओगे तो एक जीवन नहीं अनेक जीवनांतर का अंधकार तुम्हारा चले जाएगा और अंदर से प्रकाश होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। परंतु पहुंचते पहुंचते तुम्हें 100 साल बीत गया। तो यही कृष्ण की अद्भुत माया है। कब किस रूप में कृष्ण कैसे मिल जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसी कृष्ण इतने कमनीय, इतने सुंदर, इतने अद्भुत व्यक्तित्व वाले हुए, सोचिए आज 4-5 हजार सालों के बाद भी हम उनके बर्थडे के लिए 12 बजे तक जगते हैं। बोलो राधे राधे। हमारे बच्चे की यदि है बर्थडे तो 8 बजे सो जाते हैं, सुबह स्कूल भेजना है। और यहाँ अमेरिका में तो फूड और फेस्टिवल फ्रोजन ही होते हैं। बोलो राधे राधे। बर्थडे भी फ्रोजन होती है, मंडे को आती है तो नहीं करते, संडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो खैर कृष्ण की यही कमनीयता है जो हृदय को हृदय स्पर्शी है। उसी कृष्ण के लिए लिखा गया कि भक्तों नी राखी टेक रूप तरया दे अनेक। भक्तों की टेक मतलब भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने अनेक रूप लिए और आज तक कृष्ण सबकी इच्छा को पूर्ण करते रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।